आपका क्या ख्याल है इसमें? तो बेटा, इसका फैसला करने के लिए तुम्हें अपने भाई गुंडूगदू से पूछना पड़ेगा और अपने कमानदार अपने अपने हाथ में लेना पड़ेगी। बेटा, तुम्हारा क्या फैसला है? अल्लाह हू अकबर। बमजी, तुमने कितने मारे? अरे भाई, मैंने तो तीन तीन मारे। अरे यार, हमने भी मारे, ऐसी बात नहीं है बमजी। अरे भाई अर्तुगरुल भाई, आपने कितने मारे? जो तुमसे बच गए वो मैंने मार दिए। बाबा खुश होंगे और गुंडूगदू भाई भी खुश होंगे कि हमने सलीबियों को घर के पास ही शिकस्त दे दी। भाई काश दुआन भी होता तो कितना मजा आता, वो भी हमारे साथ जल्द जंग में हिस्सा लेगा। हाँ भाई, इंशाल्लाह जल्द हमारे साथ होगा वो। सबसे पहले ये खबर बाबा को देना पड़ेगी कि सलेबी हमारे घर के पास ही क्या फेरा फेरा दे रहे थे और उनको हमने क्या शिकस्त दिए। अर्तुगरुल भाई वापसी आ गए। बाबा, वही हुआ जो हमने सोचा था। सलेबी हमारा घर के पास ही फेरे दे रहे थे और हमारे मेरे सिपाहियों ने और मैंने उनका पीछा करके उनको पीछे से कहते हैं पकड़ लिया। तुम्हें गुंडूगदू से भी जाकर मिलना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सिपा सलार बनो। अस्सलाम वालेकुम गुंडूगदू भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अर्तुगरुल, तुम कैसे हो, तुम बताओ? मैं ठीक हूँ गुंडूगदू भाई, आप कैसे हैं? मैं जंग पर जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त है क्या? हाँ अर्तुगरुल, तुम्हें इजाज़त है, मैं किसी कबीले के काम से जा रहा हूँ और इजाज़त दो मिले, मैं चलता हूँ। अल्लाह अकबर।
अर्तुरुल भाई आ गए, अर्तुरुल भाई आ गए, अर्तुरुल भाई जिंदाबाद, अर्तुरुल भाई जिंदाबाद, अर्तुरुल भाई जिंदाबाद। भाई मैंने सुना है आप लोगों ने सलेबी तो ये मैं नोयान से मिलकर आता हूँ। हालत भेज रहा हूँ, ये है तुम्हारे चंचू। अर्तुरुल, ये तुमने क्या किया? तुम नहीं बचोगे अब मेरे तलवार से।